बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हैं, जैसे कि आज सबसे बड़े सुपरस्टार के नाम पर अभिनेता अमिताभ बच्चन जाने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनके बाद आए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने दमदार अभिनय से अमिताभ बच्चन को भी पीछे कर चुके हैं और लोग अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती को पसंद करने लगे हैं। ऐसे ही एक और दमदार अभिनेता जिन्हें लोग आज भी बॉलीवुड में बहुत प्यार करते हैं और उनका नाम गोविंदा है। इन्होंने भी अपने किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से निभाकर सभी सुपरस्टार्स के बीच अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। वेल, ये तीनों अभिनेता ही आज सभी के दिलों में राज करते हैं। लेकिन आप सभी ने जरूर नोटिस किया होगा कि यह तीनों अभिनेताओं ने एक नाम वाली फिल्म में काम किया है जिसका नाम है कूली। इनके फिल्म का तो नाम सेम है पर इस फिल्म की कहानी सबसे अलग है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इन तीनों अभिनेताओं की कूली फिल्म में किसकी कूली हिट साबित हुई थी और किसकी फ्लॉप। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। इसमें पहला नाम अमिताभ बच्चन का है। बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिन्हें आज बच्चा बच्चा जानता है। इनकी कूली फिल्म की बात करें तो मनमोहन देसाई के द्वारा निर्देशित कूली फिल्म साल 1983 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे और उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा था। साथ ही इस फिल्म के सभी कलाकारों ने भी अपने अपने किरदार को बेहतरीन बनाने के लिए खूब मेहनत की थी। आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था, वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 11 करोड़ रुपए हुई थी। इस तरह यह फिल्म हिट साबित हुई थी। वहीं अब बात करते हैं रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देने वाले अभिनेता गोविंदा के बारे में, जो कि ज्यादा तौर पर अपने डांस के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि इनकी फिल्म कूली नंबर 1 30 जून 1985 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक डेविड धवन थे। इस फिल्म में अभिनेता गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर ऑपोजिट रोल में नजर आई थी। इन दोनों के शानदार अभिनय के साथ साथ फिल्म के सभी कलाकारों ने भी अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया था। आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह से यह फिल्म भी हिट साबित हो गई। अब जानते हैं हम सबके फेवरेट डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जो कि आज तक 350 से ज्यादा फिल्मों में जबरदस्त अभिनय के साथ नजर आए हैं और इसी तरह इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इनकी कूली फिल्म की बात करें तो पहले इनकी फिल्म बिल्ला नंबर 786 की बात करते हैं। यह फिल्म 29 दिसंबर साल 2000 में आई थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती एक कूली का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को इमरान खालिद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था। वह इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की ही कमाई की थी। इस तरह यह फिल्म हिट नहीं हो पाई। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म के बाद इन्होंने साल 2004 में एक बंगाली फिल्म कूली में काम किया और इस फिल्म को स्वप्न साहा डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म का बजट भी 2 करोड़ रुपए ही था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की शानदार अभिनय की वजह से इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह ही मिथुन चक्रवर्ती भी अपने दमदार अभिनय के साथ फेमस हो गए। वेल, इन तीनों अभिनेताओं के फिल्म कूली में से आपने किसकी कूली देखी है और आपको किसकी फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी धमाकेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।